नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है खाटू श्याम में लक्खी मेले का, जहां गंदगी देख शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा बिफर गए और अधिकारियों की क्लास लगा दी। बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देवस्थान व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा खाटू पहुंचे और खाटू में पैदल निकलकर व्यवस्थाओं को जांच परखा। बाद में आयोजित समीक्षा बैठक में सफाई, यातायात, स्वास्थ्य, पार्किंग, पानी, बिजली, सड़क आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों की क्लास ली। सुबह मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक के दौरान डोटासरा ने कहा कि सरकार चाहती है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को शाम दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और जाते समय भी वह सुखद अनुभूति अपने साथ लेकर जाएं। बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर प्रशासन, मंदिर कमेटी और जनप्रतिनिधि टीम बनाकर काम करें। उन्होंने प्रदेश के अनेक मंदिरों में सफाई की व्यवस्था का हवाला दिया। इस पर पालिका ईओ ने टेंडर के माध्यम से 100 सफाई कर्मी मेले में काम करने के लिए अवगत करवाए और इस पर मंत्री ने 100 कर्मचारी और बढ़ाने का निर्देश दिया। 27 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले 10 दिवसीय लक्खी मेले में 35 से 40 लाख से अधिक शाम भक्तों के आने की संभावना है। इसके चलते सीकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और श्याम मंदिर कमेटी ने श्याम भक्तों के लिए तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। व्यवस्थाओं को लेकर मैराथन मीटिंग आयोजित हो रही है। 10 दिनों तक खाटू नगरी में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.